शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोज्जनेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है, अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू।
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का फोन आया कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं और सक्सेसफुल सॉल्व करके, और मुझे भी बताया, सभी लोगों ने बताया। आज मुझे दिल से सभी लोगों के लिए खुशी हो रही है। और सारे आयुष दर्पण के चिकित्सक लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों को यहाँ को होस्ट भी बना देता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं, तो को होस्ट भी बना देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताइए कुछ। डॉक्टर प्रीति साहू जी आई हैं, एक बहुत अच्छे संहिता की प्रोफेसर हैं। डॉक्टर प्रीति जी, आप सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर प्रीति साहू जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, सभी लोगों को इंट्रोडक्शन दीजिए। अगर सुन पा रही हैं तो मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछूंगा, केवल आप इंट्रोडक्शन दीजिए। जी हेलो। बताइए। हाँ नमस्कार नमस्कार हाँ, आप कौन है, सभी लोगों को प्रोफेसर। बताइए। हाँ मैं डॉक्टर प्रीति साहू संहिता एमडी हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ संहिता डिपार्टमेंट में जी, आपका स्वागत है मैडम। और मैं 1 साल से फॉलो कर रही हूँ। पूरा डेली सुनती हूँ। जी पाठक सर के सारे लेक्चर सुनती हूँ डेली। जी अंजना मैम को सुनती हूँ डेली। जी बहुत ही अच्छा आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म है। 1 साल से जब से चालू है तब से मैं डेली जब भी टाइम मिलता है मैं लेक्चर सुनती हूँ। जी यूट्यूब पे भी सुनती हूँ काफी लेक्चर्स। जी आपका स्वागत है। आप भी अपना चर्चा में आइएगा और कुछ कुछ बताइएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर। ठीक थैंक यू है, सर। थैंक यू। एक डॉक्टर माधव जी हैंड रेज किए हैं, माधव शांडिल्य जी, आप अपने बारे में बताइए सर। सर मैं माधव की मदर हूँ। एक्चुअल में वो मेरा बेटा है जी और मैं आपके लेक्चर्स बड़े रेगुलरली सुनती हूँ। और जी बेटा मेरा जो है उसको मैंने इस बार बीएमएस में एडमिशन दिलाना है तो उसकी काउंसलिंग चल रही है। बट अच्छा वो आपकी अष्टांग की क्लास सर रेगुलरली मॉर्निंग में जो होती है संभाषण, तो आप तो हमसे कैसे जुड़ी, मतलब आपको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं? सर मेरा तो वेबिनार हुआ था मैं झांझट सर के साथ। मैं डॉक्टर वैद्य सुधा नाड़ी विशेषज्ञ हूँ और जी मैं आपसे लॉकडाउन में जुड़ी थी। अच्छा, हाँ जी 2020 में जब तो आप लॉकडाउन क्या हुआ। प्रैक्टिस भी करती हैं आयुर्वेद का? जी सर मैं आयुर्वेदा में ही प्रैक्टिस करती हूँ। पंचकर्मा भी करती हूँ और सर ज्यादा केसेस मेरे गायनी के होते हैं। पर तो कुछ बताइए ना हमें, केसेस जो आपने एकदम ठीक किया है, सक्सेस स्टोरीज, क्या क्या दवाइयां दिया सब? सर जैसे मैं सर्विसाइटिस के पेशेंट्स जो होते हैं कर्णनी योनि व्यापक के, वो जी, पेशेंट काफी अच्छे से ट्रीट होते हैं सर। उसमें मैं तो क्या अपामाग देती जाती हैं, हूँ कैसे सर। देती उसमें हैं? खाने के लिए जो ओरल मेडिसिन होती हैं वो तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो भी उसकी हिस्ट्री होती है सर। जैसे उसमें पुषानुग भी देती हूँ और अगर उसको पेन साथ रहता है तो धन्वंतरम गुलिका साथ में सर पेशेंट की उसके अकॉर्डिंग जो है अशोका रिस्ट भी दिया जाता है या वर्णादि कषाय सर। वो सब जो है मतलब जो ओरल मेडिसिन है वो पेशेंट के लक्षणों के आधार पे होती है सर। बट जी जैसे आ, आ, पेशेंट को जस्ट पीवी करके चेक करती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ जो है स्कार है तो वहाँ अपामाग क्षार का यूज करती हूँ सर। जी हाँ जी। और बाकी सर इनफर्टिलिटी भी मतलब आप लोगों से जुड़ने के बाद भी मैंने बहुत कुछ सीखा नया। जैसे मैम जो है शिरावेद है या विद कर्म है वो भी मैं रेगुलरली बेटे के साथ अब सुनती हूँ आपकी क्लासेस मॉर्निंग में। और आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? सर मैं जींद हरियाणा में प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, जी तो वहां पे आयुर्वेद अच्छा है ना? सर बस मैं ही करती हूँ पूरे सिटी में जी। अरे वाह, आपका कितना स्कोप है वहां पे, पूरा हाँ जी सिटी में, पूरा सिटी आपका है। जी सर। इसीलिए सर पंचकर्मा भी हमने ही यहाँ जी शुरू किया क्योंकि जी सर हमारा जो क्लिनिक है वो 70 इयर्स से है। जी जो मेरे ग्रैंड फादर इन लॉ डॉक्टर भगवत स्वरूप जी हैं उन्हीं के नाम से हमारा क्लिनिक यहाँ है। जी और उसके बाद मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने प्रैक्टिस की। अब मैं जी और डॉक्टर सब जो हैं वो और उसी को आगे बेटे को ट्रांसफर करेंगे जी की तो आयुर्वेदा आपके में। बेटे को हरियाणा में ही डालेंगे कि और भी कहीं जगह डालने का प्लान है? सर अभी तो काउंसलिंग के थ्रू देखेंगे कि उसका कहाँ आता है नंबर। और आयुर्वेद ही कराना है उनको भी? जी सर। सर वो तो श्योर है कि आयुर्वेदा ही कराना है जी जी। तो सर आज मैंने ना एक मेरा केस है जी उनको स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया था। मतलब मेल पेशेंट है
एज जी होगी अराउंड 50 ईयर्स, जी नहीं 50 है सर उनका ना, उन्होंने सर्जरी हुई उनकी और उसके बाद उनका यूरिन का कंट्रोल खत्म हो गया। जी अब सर वो जब यूरिन जाते हैं तो वो फीडिंग ट्यूब से यूरिन जाते हैं, जी तो सर मुझे इस केस में कुछ मार्गदर्शन चाहिए कि वो चाह रहे थे कि हम पंचकर्मा करें। जी तो सर एक तो ये पूछना था कि जो सर्जरी जहां हुई है तो क्या उस एरिया पे हम कटिवस्थी या स्नेहन स्वेदन वाला जो ये पार्ट है, या फिर जरूर जो तिक्तक क्षीर वस्ती या जो भी वस्ती हम देते हैं मात्रा वस्ती, वो सब इसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं कि 100% है ठीक है सर। तो सर इसी में थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए था, जैसे मैं जनरली रस राजेश्वर, अभी वो पेशेंट कल आया था तो अभी हमने उसको, क्योंकि ठंड अभी ज्यादा थी तो मैंने उसको 1 वीक के लिए पोस्टपोन किया है। जी। आपने BMS कहाँ से किया है, कौन से कॉलेज से? आप सभी कुछ बताएं वो ठीक है, आपने सर। BMS कहाँ से किया है, कौन से कॉलेज से? मैंने खानपुर कॉलेज है, मारो जी सिंह मेमोरियल निपत जी में सर, वहां से मैंने BMS किया हुआ है। और नाड़ी विद्या कहाँ से सीखा है आपने? हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने नाड़ी विद्या कहाँ से सीखा है मैम? शायद आवाज नहीं जा रही है। संजय जट सर हैं, उनके साथ जुड़े रहे सर। अच्छा, ठीक है। तो इसमें ना जब हम बस्ती बाकी सर में, अनुभव था कि जैसे पेशेंट जी जी इसमें हमें बस्ती जब देंगे ना, तो बस्ती क्या करता है, अपान क्षेत्र में काम करता है और जी जितने सर भी सर मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देता है। तो उसमें हम शीर बला तेल, बला अश्वगंधादि तेल, इन सब का जब हम जी बस्ती देते हैं तो वो कंट्रोल पावर आ जाता है। इसके साथ में हम लोग वृहद्वाज चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, रसराज रस, इनका जब जी सेवन सर कराते हैं और अवगाहन कराते हैं तो वो कंट्रोल पावर आ जाता है। ठीक है, सर इसमें कटिवस्ती भी दे सकते हैं हम उनको, आप मोरीवेना या देने को कोटम सब कुछ दे कुमारी सकती हैं, लेकिन जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो मैंने बताया। सर। जी इसमें सर, उत्तर बस्ती अच्छा रहेगा ना सर? उत्तर बस्ती चले, लेकिन ये दे पाएंगी क्या, इनको आता है? हाँ वो शायद नहीं सर मैम। मुझे आता है क्योंकि मैंने अवार्ड सर की क्लासेस भी ली हुई है हाँ तो, बट सर मैं करती हूँ और डॉक्टर सब नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी पुरानी प्रैक्टिस को ही रन कर रहे हैं जो हमारी पहले से, पहले इतना आयुर्वेदा का नहीं था जी तो मेल पेशेंट सर थोड़ा सा यहाँ हेजिटेट करते हैं फीमेल डॉक्टर से, तो लेकिन आप इसलिए उत्तर बस्ती सर देंगे तो वो तो और अच्छा चिकित्सा है, वो उत्तर बस्ती दे दीजिए आप। उसमें फिर उत्तर आप पेशेंट को भी बस्ती गाइड कर सकती हैं, वो जैसे वो फीडिंग ट्यूब से डालता है ना, वो निकालता है जी मैम यूरिन, यूरिन जी पास आउट होने के बाद उसे ऑयल आप गाइड कर दें कि इतना 30 ml ऑयल स्टरलाइज करके जैसे आप दे दें और वो पुश कर ले वो भी। बट आप अपने हस्बैंड से कहिएगा वो करें, जी ज्यादा मैम बेटर सुपरविजन में करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इन्फेक्शन ना चला जाए ना। मैम ऑयल फिर मैम जैसे फीमेल में हम लोग करते हैं तो जस्ट वैसे ही, मतलब जैसे मैंने अवार्ड सर की क्लासेस देखी थी तो उन्होंने हमें ऐसे ही सिखाई थी। और सर मैम जैसे ही ना एक बार इनका साउथ वालों की भी एक ऑनलाइन क्लासेस हुई थी वस्ती की, मेल वस्ती थी उसमें, तो वहां भी उन्होंने दिखाया था कि जहां भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो वहां वो थोड़ा सा पुश करते थे, फिर उसको ऑयल को धीरे धीरे स्लो स्लो करते थे, तो वो मतलब थोड़ा ऐसे ही बता रहे थे। हाँ मैम, प्रॉपर जी थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से करिए, क्योंकि कभी कभी इंस्टिंक्शन ना हो ना तो वो फिर हाँ जी दिक्कत कर जाएगा, तो वो आपका एक्सपर्ट हैंड होना चाहिए। फिर मेल पेशेंट जब आपको मतलब कंफर्टेबल नहीं है तो फिर फायदा नहीं है ना, जी मैम बट मैम आप कर फीमेल्स में तो सकती मैं हैं। कंफर्टेबल हूँ, बट मेल पेशेंट्स मैंने आज तक नहीं किए हैं। मेल हाँ पेशेंट मैं मोस्टली ना मात्रा वस्ती ही बताती हूँ उनको, और वो भी वो घर पे ही लेते हैं। ठीक तो आप मात्रा बस्ती ही कर आइए, हो जाएगा वो। है जी, ठीक है मैम, थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर प्राची जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? पुणे की डॉक्टर प्राची जी अनम्यूट हेलो करिए। हाँ आप थैंक मराठी भी यू। बोलती हैं, इंग्लिश भी बोलती हैं, हिंदी भी बोलती हैं, सब मिक्स करके बोलती हैं। हाँ एक केस डिस्कस करना था। वैसे मतलब उनको है 50-60% उपशय है, पेशेंट 60-65 एज की रहेगी, डायबिटिक है, और अभी उन्होंने टेस्ट किया नहीं कोरोना का, बट मेरे ख्याल से कोरोना तो रहेगा ही उनको।
और सर्दी थी, प्रतिक्षा मतलब वातज प्रतिक्षा जैसे छींके आना वगैरह वैसे सब लक्षण थे, और ड्राई कॉफ था। और अभी मैंने जो ट्रीटमेंट किया उसे 50-60% तो उपशम है, पर अभी होता क्या है कि मेडिसिन खत्म होने के बाद फिर से अभी उसको शुरू हुआ है, और अभी वो बोल रही है कि तमक श्वास जैसे मतलब सोने के बाद थोड़ा सा सांस लेने को दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक बार और क्या ऐड करूं इसके लिए, आपसे डिस्कस करूं। मेन सिम्टम क्या है? मेन सिम्टम मेन अभी मतलब पहले तो वो मुझे बोल रही थी कि पूरा ड्राई ही कॉफ है, अभी बोल रही है कि गले में थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा लपेटा है ऐसे लगता है, और कल वो सो नहीं पाई क्योंकि लेटने के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आप उनको ये दीजिए चंद्रामृत रस और कनकासव, चंद्रामृत रस और कनकासव दे देंगी तो ठीक हो जाएंगी ना पेशेंट। ओके, बट सर अभी ये एक वाटर टाइप लक्षण रहेंगे तो भी कनकासव दे सकते हैं क्या? हाँ, आज सर अभी उसमें का सीजन मसाज भी कैसे है? करा सकते हैं कर्पूर तेल से, उससे भी अच्छा बेनिफिट आता है सर ऐसे पेशेंट्स में, कि हल्का सा ऑयल गर्म करके और मैम उनके चेस्ट एरिया पे और बैक एरिया पे मसाज कराएगी। ओके नहीं, हाँ ये तो करती है पेशेंट। गुड इवनिंग और सर, आपके पास बाकी क्या मेडिसिन अवेलेबल है वो इम्पोर्टेंट मेरे है। पास मैंने लक्ष्मी विलास दिया था, श्रृंगार आभ्र दिया था, पिंपली दिया था मैंने, 2 पिंपली क्षीरपाक करके हर रोज, और एलादी वटी दिया था, और बाकी जो वाग्भट में एक पाठ आया है ना, वातज कास में मतलब कफा का अनुबंध रहेगा, तो जिसमें यवक्षार श्रृंगी हिंग वगैरह ये सारे मेडिसिन्स है, उसमें अभ्रक डाल के काली सादी डाल के मैंने दिया था। तो कितना परसेंट आराम है? अभी ये पेशेंट बहुत पुरानी है, मैं उसको अच्छे से पहचानती हूँ, वो कैसे है ना, वो हेतु भी बड़ा बताती नहीं है अच्छे से, और अच्छा भी लगा तो भी पूरा बोलेगी नहीं कि अच्छा है, और थोड़ा सा वो छिपाते है ना ऐसे टाइप्स है, तो अभी बोलती तो है 50%, अब मतलब उससे ज्यादा ही रहेगा ऐसे मुझे तो लगता है। तो मैंने जो बताया वो चंद्रामृत रस और कनकासव वो देने में आपको क्या है? अगर वातज टाइप है तो थोड़ा घृतपान करा दीजिए, कंठकारी घृत, पिपल्यादि घृत, ऐसे कुछ दे दीजिए। हाँ मतलब ये इसका मैंने अनुपान उसको ये घी दिया था, नॉर्मल घर का घी दिया था, तो जी फिर कौन नहीं, कितना दिया सा, था? आधा चम्मच? 1 चम्मच, मतलब मैंने पहले नहीं, बोला कि एक वहां आना चम्मच से है। नहीं होगा, 50 ग्राम तक दीजिए। ज्यादा देंगी तो क्या प्रॉब्लम है? जो नैवेद्य की वाटी होती है, कटोरी होती है ना, नैवेद्य लगाते हैं, उतना तक हाँ घी दिन भर में दीजिए, तभी तो स्नेहन होगा, तभी तो फायदा होगा। ओके वायु का प्रकोप है ना, रुक्ष गुण है, और कफ भी जो है हाँ वो अच्छे से नहीं छूट पा रहे, निकल नहीं पा रहे, तो स्नेहन करके फिर ये सारी दवाइयां देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ओके तो मैंने कनकासव भी बोला तो वो घृत पान कराने के साथ में देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। राइट, तो घृत कौन सा, घर का ही दूं या तो फिर कौन सा अलग यूज सादा घृत करूं? दे सकती हैं, जो साजुक तूप घी रहता है, राइट ठीक है राइट, खाने में मिक्स करके दे दीजिए, घी ज्यादा से ज्यादा दीजिए, और अगर तब भी खांसी आ रही है तो एक मात्रा बस्ती दे दीजिए शीरवाला तेल का, बिना चलेगा। स्नेहन तो शोधन का किया तो और भी चलेगा। मतलब जो पिंपली में 2 ही हर रोज उसको क्षीरपाक बोल रही हूँ, मतलब तो वो बढ़ाऊ वगैरह क्या? मैंने अगर वर्धमान पिपली जैसा देने दे तो वैसे बढ़ेंगे, कभी दिया नहीं एक्चुअली वर्धमान पिंपली। अगर पुराना है, क्रॉनिक है बीमारी तो वर्धमान पिपली दे सकती है 10 दिन 15 दिन तक, फिर धीरे धीरे घटाना है। ओके बट वो ऐसे क्षीरपाक जैसे ही दू के कैसे वैसे करूँ? दीजिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? युक्ति पूर्वक वैसे आप दूंगी कैसे भी दे सकती हैं। ओके, और फिर मतलब बाद में अगर बढ़ाना है तो फिर बाद में भी उसको पथ्य बोलना पड़ेगा ना कि खाने पीने में हाँ को, हाँ तेल मिर्ची मसाला नहीं देना है, शाली चावल और दूध के साथ दे देना है। मतलब पूरे दिन भर में सिर्फ वैसे ही खाना है ऐसे हाँ बोलूं? हाँ तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना है। ओके, दूध और चावल तो हम लोग 10 तक वगैरह बढ़ा सकते हैं ऐसे। हाँ 10 दिन तक, 10 दिन तक ओके ओके दीजिए, फिर धीरे धीरे कम करिए। या फिर ये अगर पिपली का नहीं करना है तो आप कर्पूर आदि चंद्रामृत रस और कनकासव दे दीजिए। अब पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है ना, उनको कितना दिन राइट तक, वो अगर परहेज नहीं पालेगी तो फिर वो तो और परेशान करेगी आपको। वो पेशेंट साउथ इंडियन है, वो तो मतलब दही वगैरह खाते, अभी बोल रही मुझे क्योंकि उसको भी पता है मैं हमेशा क्या पूछती हूँ तो वो छिपाते हैं मुझे से लगता है। जो छिपाते हैं ना उनको युक्ति पूर्वक चिकित्सा करके सफलता करना है, तो आप कर्पूर आदि चूर्ण भी यूज कर सकते हैं, त्रिफला
त्रिकटू चून कर सकते हैं, द्योषादि वटी कर सकते हैं। ओके हाँ, और अभी वसंत ऋतु शुरू होगा तो वमन करा दीजिएगा अच्छा से। और प्राची जी, आप वमन का कितना चार्ज करती हैं? क्यों सर ऐसे क्यों पूछते मुझे? तो बताने में क्या है, मतलब कितना चार्ज करते हैं आप लोग? 6.5-7। अच्छा, उसमें आप घृत भी देते हैं, सिद्ध घृत भी देते हैं? हाँ देते हैं। अच्छा, और वमन का द्रव्य कितना रहता है, वमनोपक द्रव्य, वमन? वमनोपग द्रव्य मतलब क्या? हम यष्टि अलग अलग मधुपान करके कितना 10 लीटर देती मैं है? तैयार 10 लीटर करके रखती हूँ सब। जी। मतलब ऑलमोस्ट 10 लीटर तक तैयारी रहती है, गरम पानी वानी सब कुछ मिला के, जी ज्येष्ठ मत फांट सिद्ध जल सब मिला के। हाँ जी आप लोगों को मालूम है, बालाजी तांबे करके एक सर थे, अभी तो उनकी डेथ हो गई, वो यहाँ लोनावाला खंडाला में 1 लाख रुपए लेते थे वमन का, 7 दिन का रहना खाना सब मिला के 1 लाख रुपीज लेते थे। सर ठीक वो है, सर बाद आप में तो प्राची जी, वहां पे आप करते ले भी लेंगी नहीं क्या? थे आप 6,500 में आपको परवड़ता है, अफोर्ड होता है सर। इतना? सर उसमें क्या कराते थे वुमन में? अच्छा वो उनके पास ना कॉटेजेस रहते थे, आत्म संतुलन विलेज करके एक था यहाँ पर, लोनावाला खंडाला हिली एरिया है, तो लोग जाते थे टूरिज्म के हिसाब से, सब फॉरेनर्स आते थे। सर वहां तो पे वुमन भी नहीं करते थे, मतलब 1 लाख भी लेंगे क्योंकि मैंने वहां पे जॉब किया है मुझे पता है। वुमन छोड़ के बाकी सारी चीजें करते हैं, पैसे तो उतने हैं ही, सही बोला आपने, बट वुमन भी लेने के रिस्क नहीं लेते वो। तो इतना पैसा किस लिए लेते? ऐसा आप ही है लोगों को सर। पता है एक एम्बे वैली करके जगह है यहाँ पे, तो वहां पे ना मतलब ये सहारा जो थे ना, सुब्रत राय सहारा, उनका है एम्बे वैली, जहाँ पे बिग बॉस का शूटिंग होता है, वो कलर्स पे आता है ना, आई हैव सीन दैट, मैं गई हूँ वहां पे सर, वहां एमबी एक दिन का वैली। खर्चा 1 लाख रुपए का है, एक एक कॉटेज का, 1 लाख, कॉटेजेस डेढ़ हैं लाख 5 लाख। सर। आपने शुरू किया तो सर थोड़ा गाइड करें सर कि इस तरह की प्रैक्टिस क्या सही है सर? हाँ, सही आयुर्वेद को है आगे बढ़ाना है तो पैसा नहीं चाहिए आपको? तो सर पैसा चाहिए तो ये तो कुछ ही लोगों के बीच में आयुर्वेद, यहाँ आयुर्वेद का मैम कह रहे हैं कि वमन भी नहीं कराते थे। नहीं देखिए, क्या है ना कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है ना, तो आप झोपड़ी में नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा स्टैंडर्ड तो चाहिए, कार वोर में घूमना चाहिए, टाई लगा के, कोट पहन के, थोड़ा तो अच्छा दिखना चाहिए ना आपको। तो जो गरीब है उनसे आप हिसाब से लीजिए, जो अमीर है, टाटा बिरला अंबानी आएंगे आपके पास, तो आप उनको क्या 5 रुपए का दवाई देंगे? नहीं 5 रुपया के नहीं देंगे सर, लेकिन हम लोग के एरिया में तो थोड़ा पंचकर्मा भी, हम लोग जैसे भी 15,000 रुपया अगर तो भवन आप भी लेते दो ना। टाइप का खोलिए ना, एक नॉर्मल लोग के लिए खोलिए और एक कॉटेजेस वाला दिल्ली साइड में खोलिए, ऐसे फार्म हाउस टाइप, ऐसे बड़ा बड़ा। नहीं सर प्लान कर रहे हैं, आप लोग का सहयोग रहा तो प्लान कर रहे मेरे हैं हिसाब से तो वोमन पैसा के कमाना वगैरह गलत कितने नहीं चार्जेस था लेने चाहिए? जी, कितने चार्जेस लेने चाहिए फिर? पेशेंट जितना दे दे सब ले लेना चाहिए, पेशेंट जितना दे सकता है खुशी से, बद्दुआ नहीं कमाना है। लेकिन अब टाटा मेरे पास है तो मैं उनसे कितना, मैं बोलूंगा 5 रुपए दीजिए, 10 रुपए दीजिए, तो अच्छा नहीं लगता ना, उनको लगेगा ये क्या फालतू डॉक्टर है, 10 रुपए लेते हैं, सर उनको नोट एक साइज लाख दो नहीं है लाख हमारे पास, लगेंगे। खाएगी सर वो खाएगा भी नहीं मेडिसिन सर यहाँ नोट साइड में नहीं देते लोग इतना। 1,000 अगर आपने वो अगर एक मूवी बोल है दिया ना, उनको संजय दत्त का मूवी है, सड़क मूवी, उसमें बोला है कि झुकते हैं दुनिया झुकाने वाला चाहिए। नहीं सर वो तो सही है वो सर, आप भाई आडंबर बनाएंगे तो सब होता है सर, ऐसा बात नहीं। आडंबर नहीं बोलते हैं, वो आज के जमाने का डिमांड है। आप सर चीट नहीं करिए किसी को, बस ये होना चाहिए। चीट ने, हम क्या आयुष हाँ दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक है, हम क्या चीट कर रहे हैं क्या? नहीं हम नहीं सर अपनी मैं मेहनत वही कह को रही हूँ, नहीं आडंबर की बात कर रहे हैं ना सर ये, तो मैं कह रही हूँ आडंबर नहीं किसी कर रहे, को हम हमें बाबा चीट थोड़ी ना नहीं है। करना है और पेशेंट टू पेशेंट वेरिएट करता है, किसी से फ्री भी काम करना पड़ता है, किसी को अपने जेब से भी देना पड़ता है। अभी शुक्ला मैम किडनी के पेशेंट को आप ठीक करेंगी और बड़ा कोई इंसान आएगा तो आप उनसे 1 करोड़ नहीं ले सकती हैं क्या? सर मैं तो ले सकती हूँ यदि मेरे पास 1 करोड़ देने लायक आया पर्सन तो। मैं और आप रिजल्ट दे रही है ना, मेन आपके पास विद्या है, ज्ञान है, तो आप क्यों नहीं ले सकती? प्रणाम सर, जी सर, मुझे एक थोड़ा सा केस मैं भी डिस्कस इस करना है। पे बोलना चाहूंगा सर, हाँ इस विषय पे। अगर जी थोड़ा आयुर्वेद को और इस तरीके से करना है ना, तो केवल जो लोग, जो वैद्य लोग इस बात से सहमत नहीं है कि पैसा ज्यादा नहीं लेना चाहिए, तो उसको आप थोड़ा एक इस तरीके से कर सकते हो कि पेशेंट को उसकी इतनी नीड महसूस कराओ कि वो बैठ के इंतजार करके 5 घंटे आपसे मेडिसिन ले। जी
ये दूसरा काम इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि मैंने एक ना प्रैक्टिकली एक होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं उनका देखा हुआ है मैंने ये वाला, वो पूरे दिन में केवल 60 पेशेंट देखते हैं, जी ठीक है, उन्होंने दोपहर 2 बजे बैठना है और रात के 2 बजे तक पेशेंट देखते हैं, जी और लोग आराम से बैठे रहते हैं, और शाम को उनके सारे जो बच्चे हैं जो काम करते हैं उनके स्टाफ, वो लगभग 8 बजे के करीब चले जाते हैं, और उसके बाद जिनका नंबर आता है उनकी मेडिसिन भी नेक्स्ट डे मिलेगी उनको, जी और चार्जेस उनके पूरे मंथ की दवाई उनकी होगी 250 की, 300 की, 200 की, जी मतलब लगभग 3-4 रुपए पर डे के, 8 रुपए हो गए खुराक के ऐसे मतलब। तो लेकिन उनका वो हर बंदा उनके पास पहुंच ही नहीं सकता, उसका कारण यही है कि एक तो नंबर सुबह लगने शुरू हो जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग नंबर लगेंगे और 2 बजे वो स्टार्ट करेंगे देखना। तो बिल्कुल नीडी जो बिल्कुल सीरियस है ना कि हाँ मुझे इनसे दवाई लेनी है, मुझे ठीक होना ही है, वही जाता है। तो इस तरीके से भी हम अगर इस चीज को कर सकते हैं कि जो लोग ज्यादा पैसे लेने के हक में नहीं है, तो आयुर्वेद को इतना ज्यादा उनके लिए समय के हिसाब से महंगा कर दें कि उनको 5-6 घंटे 10 घंटे बैठकर फिर मेडिसिन मिले, तब वो कहीं छोड़ के भागने वाले नहीं है। अभी दिक्कत यही है कि आयुर्वेद वालों के पास इतना रश नहीं होता पेशेंट का कि वो इनके उनको इंतजार करवाएं कि नहीं आप सर, बैठो जी, आपने 4 घंटे बाद आपकी नंबर आएगा, आप पांच सही घंटे कह रहे बाद हो, आप नंबर थोड़ा आएगा। सा सही कर रहे हो सर, क्योंकि क्या होता है सर कि आप अच्छे पेशेंट को ट्रीट भी कर रहे हो, और कोई हाँ पेशेंट आपको, जैसे कुछ पेशेंट हमारे पास होते हैं कि 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम लेके ही आते हैं, तो जो पेशेंट है अगर वो पेशेंट देखेगा नहीं कि कोई पहले से 2-4 लोग बैठे नहीं है, तो फिर वो पेशेंट भी नेक्स्ट टाइम क्या होता है ना, लेजी हो जाता है, वो आपको लेजी समझने लगता है। हाँ, वो समझने लगता है कि बिल्कुल हाँ डॉक्टर साहब बेलने हैं। वो बात सही करो सर, आप सही कह रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है जी एक पूरा, तो ये चीज भी एक ऐड कर सकते हैं ऐसा। तो जो चलो जो अपना चार्जेस अलग अलग नहीं, और मेरे सबके हिसाब अपने से इस, अगर आप नहीं मेहनत कर रहे हैं तो आप सर पैसा आपसे लेंगे तो भी क्या सहमत गलत हूँ, है? नहीं सर आपसे भी सहमत हूँ, सर पैसा पैसा तो लेना लेने ही में कोई चाहिए, दिक्कत नहीं है सर, लेकिन पैसा कई बार लेने में ऐसा कोई लगता दिक्कत नहीं है सर। कि मान लीजिए कई बार हम जैसे अभी बैठे हैं जैसे एरिया में हम लोग, तो इधर ज्यादा नहीं पे करेंगे लोग हमें, वो इसीलिए एक्चुअली लगता है कई बार कि भाग जाते हैं बीच में ट्रीटमेंट छोड़ के, तो उनको इस बात से मतलब पैसे से नहीं लेकिन समय के हिसाब से उनको महंगा किया जा सकता है आयुर्वेद को, कि उनकी 4-5 घंटे बारी ना आए, नंबर लगा रहे, 6 घंटे बैठे हैं जी बाहर, तो वो जब 6 घंटे बैठ के मेडिसिन लेगा ना तो पूरा ट्रीटमेंट करेगा वो, जी अगर जहां पैसा ज्यादा नहीं पे कर सकते। जी तो ये दो दो तरीके हो गए इसके, मतलब जहां पैसा पे कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप पूरे दिन में चाहे 5-10 पेशेंट देखो लेकिन आपने 5,000 फीस रखी हुई है कंसल्टेशन फीस ही, तो 10 पेशेंट ही बहुत हैं पूरे दिन में, उन पे पूरा एक एक घंटा लगा के आप अच्छे से काम कर रहे हो, है जी ना, तो वो भी एक तरीका हो गया। हैं बहुत से ऐसे डॉक्टर जो जी 3,000-4,000 केवल कंसल्टेशन का ले रहे हैं अभी, जी लेकिन पूरे दिन में कितने 8 से 10 पेशेंट ही देखेंगे। नहीं सर, मैंने भी इसी तरह कर रखा, होम विजिट का पेशेंट का मैं अपने बगल का पेशेंट का सबसे ज्यादा चार्ज करता हूँ, 3,000 2,500 से नीचे नहीं चार्ज करता हूँ। पेशेंट घर पे बुला के क्या करता है कि फिर पेशेंट कई लोगों को दिखाने लगता है, कई लोगों के बात करने लगता है, तो या तो फीस आप इतना अच्छा रख लीजिए कि आपके पास पहुंच ही ना हो, या तो सेलेक्टेड पेशेंट लीजिए। ठीक है, उस लेवल का हम अपना जब बना लेते हैं प्लेटफॉर्म तो हम चार्ज कर सकते हैं, वो सी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि उसमें ये दिक्कत ही होती है कि हमारे जो नीडी लोग हैं वो भी छूट जाएं नहीं उस ऐसे महंगाई नहीं में। है, हमें पेशेंट टू पेशेंट, जैसे हम लोग पुरुषम पुरुषम विक्षम, उस हिसाब से फीस भी अलग अलग होना चाहिए। नहीं सर ऐसा ये तो होना मेरा नहीं, भी हाँ चाह जी रहा है कि फीस, एक एक नहीं फीस बिल्कुल सही नहीं है, रहना चाहिए। नहीं सर आप जो कह रहे हो सही सर, जैसे मैं गुड़गांव में बैठता हूँ सर, तो गुड़गांव का मेरा फीस फरीदाबाद में, वो पेशेंट अगर आएगा तो फरीदाबाद का फीस नहीं देगा सर, वो गुड़गांव का फीस देता है, और अगर फरीदाबाद वाला ओपीडी पेशेंट है तो फरीदाबाद का जो फीस रखा वही मैं लेता हूँ, और गुड़गांव वाले पेशेंट को मैं अलग ट्रीट करता हूँ, फरीदाबाद वाले को अलग ट्रीट करता हूँ, ये तो है सर। जी ठीक है, और किसी सर को मुझे मेरा कुछ डाउट रह गया सर, मेरा एक्चुअली। डाउट मैंने है। हाँ चलिए हम डाउट अब क्लियर करें। चंद्रामृत रस और कर्पूरादि चूर्ण मैंने कभी यूज नहीं किया है, तो ये कौन सी अवस्था में यूज करते हैं? कर्पूरादि चूर्ण का मेरा मैंने पढ़ाया था, आप आयुष दर्पण के उस पे देखिए, और हमने ये कोविड काल में बहुत यूज किया, सेकंड वेव जब आया था तो बहुत अच्छा फायदा होता है कर्पूरादि चूर्ण, बहुत सारी साउथ की ओके कंपनियां भी बनाती हैं या आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत सर, अच्छा इसमें क्या मतलब। क्या आता है?
अभी मुझे याद नहीं है, कर्पूरादि चूर्ण आप देखिए बुक में, ठीक है, ओके सर। ये मैं 5 मिनट में बताता हूँ। और चंद्रामृत रस सर? चंद्रामृत रस तो हर तरह के काश श्वास में काम करता है। ओके सर, ये जो अभी लक्ष्मी विलास चल रहा है वो भी मतलब कैसे सही लक्ष्मी है ना? विलास से फायदा हो रहा है क्या, आप पहले ये बताइए। दवाई वो देना है जो फायदा करे और तुरंत ठीक करे, जल्दी ठीक करे। ओके पेशेंट हमारा जो है ना, वो हमारा नाम रखना चाहिए कि हाँ इनके पास गए थे तो फायदा हुआ। सर, नारदीय लक्ष्मी विलास का अच्छा रोल रहता है, कोविड सेकेंड वेव में मैंने यूज किया है पेशेंट में, और श्वास का चिंतामणि रस भी यूज किया है मैंने, उसका बहुत अच्छा है। और एक कर्पूर आदि चूर्ण मुझे पता नहीं था, लेकिन कर्पूर तेल मैंने तिल तेल में थोड़ा देखिए सा कर्पूर कर्पूर, आदि चूर्ण जो है ना आयुर्वेद सार संग्रह में है, इसमें कपूर है, दालचीनी, कंकोल, जायफल, तेज पत्र, लौंग, जटामांसी, काली मिर्च, पिपली, शुंठी, मिश्री या चीनी। तो ये ना कंठ के रोग, स्वर भंग, कफ वृद्धि जो अगर गले में हो गया है, इन्होंने बोला ना कि गले में कफ बहुत ज्यादा जमा है, हाँ 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 तो इसमें हाँ बहुत अच्छा, इससे आवाज साफ होने लगती है, गले में अटका हुआ कफ निकल जाता है, गले का दर्द ठीक हो जाता है, ये सब बताया। देखती हूँ सर इसका आयुर्वेद अनुपान शास्त्र क्या में। दे सर? अनुपान शहद नहीं, शहद में हाँ एक एक चम्मच सुबह शाम दे दीजिए। कर्पूरादि चूर्ण तो मार्केट में मिलता है ना, ओके, बहुत अच्छा था। और घी जो देना है, जैसे वातज कास है बट गले में चिपका हुआ कफ है, तो भी तो ये घी जो निकाल वातज, देगा, निकाल देगा। मतलब ये कफानुबंधी वातज कास ऐसे ही समझे ना? हाँ घी का कफानुबंधी भी है तो आप दीजिए ना। सर मैं बोलूं कुछ इस पे? हाँ सर, हाँ सर बोलिए। मैम उनको ना आप एक काम करो, 20 से 30 ग्राम घी, जब भी उनको खांसी चढ़े, जब बहुत खांसी आ रही है तुरंत उसी समय देना है 20 से 30 ग्राम घी गर्म पानी में डाल के, उनको बोले कि चाय कितना पिए, ठीक क्या क्या डालना है सर? गरम गोमूत्र है, गर्म पानी में देसी घी गाय और का, गरम पानी। हाँ हाँ जी 20 से 30 ग्राम हो घी कम से कम, उसी समय तुरंत देना है, हेलो, उनको बोले कि चाय कितना पिए, नंबर एक। नंबर दो, आप चंदन अमृत रस बनफशा शरबत के साथ दें उनको, अच्छा विद इन फर्स्ट डे ही पेशेंट बोलेगा कि मैं तो कहाँ बैठे थे आप छुपे हुए। शरबत के साथ ना सर? बनफशा शरबत ये कई हेलो, कंपनियां बनाती हैं, हमदर्द का भी मिल जाएगा, 10 ml बनफशा शरबत, थोड़े से हल्के गुनगुने पानी में घोल लें उसको, और चंद्रमित रस 2 tablet पीस के उसके साथ दें, ओके विद इन सर, वो फर्स्ट डोज शरबत का रिजल्ट नाम मिले। मुझे समझ में नहीं आया, क्या बनफशा शरबत, वो शरबत का नाम क्या बोले सर आप? नक्शा बनफशा, बनफशा मानो सर, ड्रग कौन सा? पुनक्षा, देखती बनफशा, हूँ सर। मैं ग्रुप में लिख देता हूँ चैट में, हाँ ठीक है मैम। बनफशा हमदर्द का आता है। ये हाँ हमदर्द हमदर्द का का भी भी आता मिल है, बढ़िया। जाता है, रेडीमेड आ जाता है हाँ बनफ्शा जी, का, हाँ जी, काफी डेडी अच्छे हमदर्द का रिजल्ट मिल जाएगा। निकाल बड़ा आप देखिए, अच्छा देखो अभी 3 महीने से एक पेशेंट चल रहा था, कभी खांसी नहीं ठीक हो रही थी, ये जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, केवल 5 डोज में वो पूरी तरह ठीक हो गया, सर। ओनली एक फाइव चीज और डोज भी ऐड कर सकते हैं इसमें जी। सर, कई लोग घी नहीं लेते ना, तो हम उसके कान में बादाम रोगन डाल सकते हैं सर, उससे भी खांसी रुक जाती है सर। जी मैं भी बताऊं, इसमें क्या है कि मेरा अभी पिछले महीने क्या हुआ सर, जो कैंपों में ड्यूटी लगी हुई थी, तो वहां पर एक पेशेंट आया था, उसको ऐसी सूखी खांसी बहुत जबरदस्त हो रही थी, तो उसमें क्या हमारे पास कैंप में बहेड़ा चूर्ण सप्लाई में था, तो मैंने सर उसको बहेड़ा चूर्ण और जो हल्दी की गांठ आती है उसको सेक के, प्लस उसमें गुड़ और थोड़ा सा त्रिकटु चूर्ण ऐड करवाया, और घी के साथ उसकी गोलियां बनवा दी उसको, और उन गोलियों को उसको चूसने के लिए दिया, तो उसको दूसरे दिन ही काफी आराम आ गया। वो दूसरे दिन ही मेरे पास हॉस्पिटल में आकर बोला, सर आपकी दवाइयों से मेरी खांसी ठीक हो गई, जो पूरे 1-1.5 महीने से मैं परेशान था अस्पताल के चक्कर लगाने से, ठीक नहीं हो रही थी, पर आपने जो चीज बताई उसके बाद वो हर मतलब 2-4 दिन में कोई ना कोई पेशेंट खांसी का भेजता ही रहता है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं सर, बहेड़ा चूर्ण को जो हल्दी होती है बराबर मात्रा में, सिकी हुई हल्दी का पाउडर और गुड़
और घी में डाल के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के उसको चूसने के लिए दे सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल होता है, इजी वे में तैयार कर सकता है, पेशेंट भी कर सकता है और आप भी तैयार करके दे सकते हो। साथ ग्रंथ में बीबी तक बताया है कास के लिए, शुष्क कास के लिए बताया है बीबी तक। हाँ, तो इससे काफी अच्छा आराम मिलता है और ये काफी जगह प्रयोग किया है तो काफी जगह लाभ भी मिला है मुझे। जी बहुत बढ़िया बताया आपने। सर प्लीज रिपीट करो आप बहेड़ा का। जी मैम, इसमें क्या करते हैं कि बहेड़ा चूर्ण और जो हल्दी होती है, हल्दी की गांठ आती है, उसको अपन जैसे गैस पे एक हल्का सा सेक सकते हैं, गैस पे सेक लो या कोयले के अंगार में सेक लो, उसके बाद उसका तुरंत पाउडर कर लो और जितना बहेड़ा चूर्ण होता है उतना ही हल्दी चूर्ण और बाद में उसमें गुड़, और अगर आप मीठा मिलाना चाहो तो आपके पास मुलेठी या त्रिकटू हो तो वो भी आप मिला सकते हो थोड़ा सा, और उसको कूट के एक जगह गोलियां बना लो और उसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर लो, तो घी के साथ मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां बना लो जैसे बेर के टाइप की होती है, तो उन गोलियों को उसको चूसने के लिए अपन 8 से 10 बार दे सकते हैं। तो उसको चूसने से जो भी आप औषधियां दे रहे हो साथ में देने से और जल्दी आराम आता है पेशेंट को, सूखी खांस में जिसको वातज खांस बोलते हैं। ओके सर, ये बहुत ही मतलब इजी है बनाने में भी, बहेड़ा चूर्ण भी इजी वे में मिल जाता है, हल्दी हर घर में मिलती है नहीं तो बाजार से गांठ मिल जाती, गुड़ और घी रहता ही है, बाकी जो औषधियां शास्त्रोक्त औषधियां हैं जो भी सर बता रहे हैं, अरविंद सर बताते हैं और सारे सम्मानित चिकित्सक बताते हैं, वो तो आप प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इसको भी काम में लेते हैं तो ये अनुभूत है, काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी बहुत बढ़िया बताया, थैंक यू सर। मैम बादाम रोगन तेल ओरली भी ले सकते हैं ना, आपने कर्णपुरम बोला तो ओरली भी ले सकते हैं क्या? हेलो शायद मैम का आवाज नहीं आ रहा। जी ये प्राची जी सुन पा रही हैं क्या? हेलो सर। हाँ मैम, वो बादाम रोगन तेल आपने कर्णपूरन बोला ना तो वो बोल। हेलो, हाँ जी मैम, कर्णपूरन करना है उससे, ओरली ले सकते हैं ना? मैम ओरली भी ले सकते हैं, बस कर्णपूरन से ज्यादा अच्छा रिलीफ आता है कि पेशेंट जो है वो चैन से सो जाता है, कि खांसी तुरंत रुक जाती है मैम इससे। दोनों दोनों कानों में डालना चाहिए मैम? दोनों कानों में मैम, हल्का गुनगुना मैम, 10-12 ड्रॉप्स हम डाल सकते हैं मैम इसमें। रात को डाल के रात को डाल के कभी भी डाल सकते हैं, बस बाद में थोड़ी कॉटन लगा दें उसके ऊपर। ओके ओके मैम, ठीक है। हाँ गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, मेरी क्वेरी सर, मैं तो ठीक हूँ, प्रॉब्लम क्या हो गया कि बेटे को फीवर हो गया, सुबह तो उसका बहुत कम था, रात में बोल रहा था शायद ज्यादा आया था तो उसने बताया नहीं, फिर मैंने सुबह उसको त्रिभुवन कीर्ति दिया था और महासुदर्शन घनवटी दिया था, फिर दोपहर में 1 बजे तक उसको 102.2 आ चुका था, फिर मैंने उसको 3 बजे दोबारा दिया था फिर से, और फिर 6 बजे मैंने उसको भी दिया एफ्लोसिल फोर्ट भी, लेकिन उसका फीवर है कि डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा है, 102.6 जा रहा है, मतलब जब से फीवर मेजर किया 102 तो तब से दोपहर से ही वो डाउन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, स्पॉन्जिंग किया था मैंने तो। और आपने लंगन वगैरह कराया क्या? हाँ एक तरीके से उसने लंगन किया, सुबह थोड़ा सा आधा ग्लास हल्दी वाला दूध दिया था वही लिया था, उसने अभी बोला भूख लगी है तो अभी मैंने खिचड़ी डाली है उसके लिए और थोड़ा पानी उसने वही पिया था लौंग वगैरह वाला। आप इसमें महाजोर अंकुश रस संचमनी वटी ऐसे कुछ दे सकती हैं और नहीं तो वेट करिए, वेट एंड वॉच। ओके मैम, आप उसको ना गोदंती और गिलोय दे सकती हैं मैम, गिलोय सत्व जो आता है ना मैम, 500 mg आप उसको। मैम एज कितनी होगी आपके बेटे की? वो 18 साल का हो जाएगा अभी 23rd को। मैम आप 1 ग्राम तक गोदंती देख सकते हैं और 500 mg गिलोय सत्व दीजिए, शहद के साथ दे दीजिए। गिलोय सत्व दिया था मैंने सुबह, मुझे जितना याद है तो वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
मैम नहीं देना चाहिए जी सर, हम इसमें जय मंगल रस भी दे सकते हैं ना, हाई बीपी है तो। हाँ हाँ जी, नहीं दे तो बहुत कुछ सकती हूँ, बट अभी मेरे पास इतनी सारी चीजें नहीं, तो वही मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे वो डाउन भी हो जाए उसका। हो जाएगा, अभी भूख लगने दीजिए मैम, आपका है क्या फिर जो जो हो तो। जी मैम, दूध दूध से भी अग्निमान्य हो सकता है, दूध से अग्निमान्य हो सकता है, जो हल्दी वाला दूध दिया अग्निमान्य हो सकता है। दूध मत नहीं सर, जैसे तो सर महासुदर्शन घनवट्टी है वो टू टीडीएस भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ जी, त्रिभुवन कीर्ति भी दे उसकी सकते। डोज बढ़ाने से भी फीवर उतर जाए। हाँ सर, मैंने दिया है जैसे एक त्रिभुवन टू बीडी तो जा ही चुका है, महासुदर्शन घनवट्टी भी और त्रिभुवन भी टू बीडी जा चुका है। एफ्लोसिल भी बाद में शाम को मैंने दे दिया था 5:30-6 बजे, फिर मैं ऑफिस से आकर के देखा तो उसका फिर वही है। आम पाचन कीजिए, नहीं उतर जाएगा। 24 घंटे तो मैम वेट कर सकते हैं, 24 आवर्स हो गए क्या टोटली? नहीं अभी 24 आवर नहीं हुए हैं। हाँ तो 24 आवर, आज और आप वेट करो लंगन के साथ साथ, जैसे भी वो जो खिचड़ी खिलाई है ना उससे भी क्या थोड़ा बढ़ी जाता है, बाकी उष्ण जल उसको बार बार पिलाते रहो और उतर जाएगा। एक एक 24 घंटे तक तो रहता ही सर, है। सर उसको खिचड़ी खिलाई नहीं, उसने मांगा है, बोला है मुझे चाहिए तो मैंने अभी डाला है तो सुबह। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो वो तो इतना तो चलता ही है, तो मांगते मन नहीं मानता ना। मोशन हो गया क्लियर उनको क्या? अंदर से इच्छा, सुबह एक अंदर से खाने की इच्छा हो रही है तो खिलाया तो कोई बात नहीं। सुबह तो एक बार फ्रेश हुआ था, दोबारा तो नहीं हुआ है। मैम षडंग पानी भी दे सकते हैं आप उसको ना, जैसे फीवर ज्यादा है तो षडंग पानी से भी आम पाचन हो जाएगा। हाँ पानी तो दे रहे हैं लेकिन एक ही बार उसने थोड़ा सा पिया मैंने, मतलब उसमें लौंग षडंग पानी या शुंठी सिद्धांत बनाया था। संजीवनी उल्टी चलती है ना सर जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, आप सब लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, कुछ और बताइए क्या दे सकते हैं। संजीवनी उल्टी महासुदर्शन काढ़ा दे सकते हैं जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, संभाषण चल रही है सब लोग बता सकते हैं प्लीज, सब लोग बताइए प्लीज जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम मिश्रा जी, बताइए क्या दे सकते हैं। दे नहीं कर सकते, देते मेरे एक उपाय बताते हैं सर। कांसे का कटोरी लेकर पैर को अगर रगड़ा जाए, पैर के तलवे को, तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है सर। अच्छा, कांसे के पात्र को। जी जी गुरु जी जी। और बुखार तो उतार ही देगा सर, एकदम बिल्कुल उतार देगा। 5 से 10 मिनट पैर के तलवे को रगड़ने पर उतार ही देता है सर। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि एक मरीजों पर और घर के बच्चों बच्चों में भी हम करवाते हैं। और हम सर कांसे का पात्र तो घर में नहीं रखा है, तो अब उसको फिर स्टील वगैरह का या फिर स्टील का है तो फिर कपड़ा बांध कर फिर रगड़ना होगा। अच्छा, दूसरा एक है। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी, उनके पेट पर नाभि के आसपास में मिट्टी का लेप लगा देगा ना, तो भी 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर क्योर उतर जाएगा। हाँ वो मिट्टी तो नहीं पॉसिबल है, मैं कोल्ड फोमेंटेशन कर सकती हूँ नाभि के पास का। मैडम टेम्परेचर कितना है अभी? अभी है 102.6। हाँ तो आप ज्यादा वरीड मत होइए। नहीं दोपहर से, मतलब जब से है मिसर किया 1 बजे से, तब से डाउन ही नहीं हुआ है, इस बात की वजह से परेशान। लंघन कराइए, जो तो दवाई चल रहा है वो अच्छा चला रहे हैं, लंघन कराइए। शुंठी सिद्ध जल को बार बार फ्रीक्वेंटली दीजिए। और टेम्परेचर मेजर करने से मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, और मेजर मत करिए। कभी कभार हम थोड़ा सा वेट करना अच्छा रहता है, वो थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं हम ज्यादा टेम्परेचर हमेशा चेक करने से। से ऊपर जाएगा तो थोड़ा कोल्ड स्पंजिंग कर दे। दोपहर में मैंने उनको किया था एक बार, कोल्ड स्पॉन्जिंग किया था, बट हेड पर ही सिर्फ किया था और हाथ को थोड़ा सा किया था। पूरा बॉडी करेंगे, इतना घबराइए मत ना, इतना घबराइए मत, थोड़ा टाइम जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जी जी ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर जी। देखिए कमल जी की बच्चा भी आ रहा है समाशा में, उनकी भी आवाज आ रही है, देखिए बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं। वो भी पढ़ाई कर जी, ठीक है। और डॉक्टर प्राची जी आपका हो गया सॉल्व ना? शशि जी आपका भी हो गया सॉल्व?
डॉक्टर अर्शनूर सिंह जी। जी सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू अर्शनूर सिंह जी। हाँ जी नमस्कार सर जी, आपका असली नाम क्या है? सर कुलविंदर कौर, हमें जो दिखेगा हम वही पुकारेंगे जी। हाँ जी मैं चेंज करना भूल जाती हूँ, फटाफट से क्लिनिक होती हूँ तो मीटिंग ज्वाइन कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को होता है मेरा मिस ना हो जाए मीटिंग, तो वो मैं चेंज करना भूल जाती हूँ नाम। सर मेरी ना एक क्वेश्चन था, जैसे कि नस्य के लिए बोलते हैं हम पेशेंट को, जैसे कि वो पेशेंट डिस्कस किया था जिसको क्षीरबला 101 का नस्य देना है, तो मैं पूछना था उसको सुबह शाम देना है, तो क्या हर टाइम वो पहले मसाज करके फिर उसके बाद स्टीम लेके फिर उसके बाद ही नस्य करेगा कि ऐसे स्ट्रेट भी डाल सकता है? मैं तो ऐसे नहीं करता हूँ, हर वैद्य का अपना अपना रहता है, मैं तो डायरेक्ट ही नस्य दे देता हूँ। हाँ जी तो वो आप देखिए, क्योंकि मैंने तो अभी उसको बोला था कि पहले जैसे मसाज करके फोरहेड पे और चीक्स पे और उसके बाद फिर कुछ फायदा हुआ क्या? फिर उसके बाद नस्य दे दी। सर उसकी ना अकड़ाहट कम हो गई है पहले से, जैसे वो बोल रहा था कि स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, तो हम अभी उसको पेन किलर्स नहीं दे रहे हैं कोई भी, जैसे पहले वो खा रहा था पेन किलर्स किसी डॉक्टर से, तो मैंने उसके पेन किलर सारी बंद कर दी क्योंकि मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसे पता नहीं चलेगा नहीं तो। तो फिर उसको नहीं दिया मैंने कोई भी पेन किलर, पर उसकी अकड़ाहट कम हो गई है। जैसे वो कहता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो सुबह मुझे लगता है कि जैसे मेरी गर्दन बिल्कुल जैसे सीधी है, लेकिन फिर उसके बाद सिर्फ थोड़ी देर के लिए सीधी रहती है 10 से 15 मिनट, फिर दोबारा से उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। मतलब कुछ कुछ फायदा हो रहा है क्या? कुछ कुछ वो तो बता रहे हैं कि हो रहा, मालूम नहीं है कि हो रहा है कि नहीं, वो तो मेरे को बोल रहे थे कि मैम आप इसे कंटिन्यू करेंगे हम ट्रीटमेंट, हमें फायदा लग रहा है, लेकिन वो जब भी मेरे पास आते हैं तो वो टेढ़ा ही होती है गर्दन उनकी। उनको बोलिए कि आपके उसमें गले में शैतान बच्चा घुस गया है और वो बहुत शैतान है, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। और बताइए जैसे उनके अगर हेड के ऊपर थोड़ा बस्ती बना के और अगर उसमें मैं धन्वंतरम तेलम या क्षीरबला तेलम का कर दूं थोड़ा सा, वो ठीक रहेगा? शिरोबस्ती? हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, अच्छा है ना, शिरोबस्ती दीजिए ना, ठीक रहेगा कि नहीं? क्योंकि मैं उनको बता चुकी हूँ ऐसे करने के लिए, पता नहीं देना था कि नहीं, मैंने उनको बोल दिया कि ऐसे करो। नहीं सही तो है। हाँ जी मैम, आपको पेशेंट काहे का आए थे? पेशेंट है उनका, मैंने रिपोर्ट भी इसमें शेयर किया था ग्रुप में, उनके एमआरआई में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उनकी गर्दन ना टेढ़ी है, सीधी नहीं होती है, मतलब एक साइड को ही देखते रहते हैं, वो गर्दन बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है उनकी। कोलकाता से। हाँ जी हाँ जी मैम, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी, मेरे भी एक केस है, सिंक शोल्डर ऐसे नाम दिया है लोग, लेकिन स्प्रिंग शोल्डर मैं नस्य दे रही हूँ मैम, वो उनका ठीक हो रहा है, उनका एक गर्दन ही नहीं था, गर्दन ही नहीं था एक्चुअली, नाउ लाइक आई एम एबल टू मेक आउट द डिफरेंस। मैं महामाष तैल, अश्वगंधा लाक्ष तैल और प्रसरण तैल, तीन तैल मिक्स करके नस्य दे रहे हैं। जी मैम, इसमें आप ग्रीवावस्ती भी दे सकते हैं, ग्रीवावस्ती देंगे और उसका फिर मसाज और फिर स्टीम दीजिए, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा, क्योंकि मेरे पेशेंट का तो मैम ग्रीवावस्ती किस ऑयल से देना है? ग्रीवावस्ती किस ऑयल से देना है? चुक्का आदि का दीजिए, चुक्का दे, धनवंतरी तेल से दे सकते हैं आप, है ना, स्टिफनेस बहुत है गई ना, तो कोटम चुक्का आदि बहुत अच्छा करेंगे, और नहीं तो चेंज करके कर दीजिए, कुछ दिन कॉटन चुपकादी से कर दीजिए। और उसका ऑटोमेटिक हिस्ट्री था तो नस्य से बहुत अच्छा रिलीफ मिला, पंचतिक्त घृत से वगैरह, लेकिन मैंने मन्याबस्ती देने को सोचा और पेशेंट को ग्रीवाबस्ती दे दी थी मैंने, तो उसका मैम पेन बढ़ गया जो कम हुआ था, देने के पहले तो पेशेंट कुछ भी दर्द नहीं करता था, और मैंने एक बार उसको मन्याबस्ती दे दी और फिर पेशेंट बोलने लगा कि मैम दर्द हो रहा है और थोड़ी सी जकड़न अंदर से जकड़ने जैसा स्टिफनेस हो रहा है, तो वो मैम मेरा कोई गलत हो गया क्या? मैंने तो मार्गावरोध जन्य मान
के थोड़ा सा दिया, लेकिन वो धातु क्षेत्र था तो उधर ज्यादा कुछ वायु का प्रकोप हो गया क्या, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कोटम चुका दी, मुरीविना और सहचरा दी और शिरबला तेल का दिया था ग्रीवा बस्ती। हेलो हेलो सर, इसको हम ना मन्य स्तंभ की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सारी मसल का नेक मसल का स्टिफनेस रहता है। नस से मैं देती चालू था, नस से दिया था ना तो पेशेंट टोटली रिलीफ हुआ था, और एक मन्यावस्थी देने का सोचा मैंने तो पेशेंट का स्टिफनेस बढ़ गया, तो ये कोई कुछ गलत हुआ क्या मेरे से, ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। उधर मैंने सोचा हो सकता उसमें आमवात की ज्यादा वो हो, उस ऑयल का जो आम पचन किया था, दीपन पचन किया था, विरेचन बहुत पेशेंट का वो सब कुछ अच्छा, टंग भी बहुत वो सब नॉर्मल था पेशेंट का, तो आम मेबी आपसे कर रहे हैं ना आप। हाँ शीरबला से, हाँ तो अगर आपने शीरबला का ही ग्रीवा बस्ती केवल दिया होता ना तो मुझे लगता कि उसे अच्छा रिजल्ट मिला होता। आपने तीन छह तेल जो है वो यूज किए ना, चार तेल टोटल यूज किए, तो वो तीन नहीं डालते, हाँ। तो आपके शीरबला डालते तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे अच्छा रिजल्ट मिल जाता, ऐसा देखिए ना आप मिक्स उसमें में तो लगता है कि रिजल्ट शायद सब गड़बड़ हो जाता होगा, एक से करें तो पता भी चलता नहीं, तो अब आपका ना हाँ मानो पाचक तेल थे ना, तीनों पाचक तेल थे, ये ब्रूहनी है, शीरबला से सिर्फ करना चाहिए था क्या मैम उसमें। हाँ आप करके देखिए, आप इसका रिजल्ट फिर बताइए हम लोगों को। मेरी ओपिनियन के हिसाब से तो इसको मन्यस्तम की तरह लेना चाहिए, और इसमें बालू को और लवण पोटली बना के रुक स्वेदन भी करना चाहिए, नशे तो साथ साथ देना ही चाहिए। हेलो वो कह रही है ना धातु शयात्मक है, और कह रही है धातु शयात्मक है तो वृक्षो इससे और बढ़ेगा ये। हाँ वही हुआ मैम, मैंने स्वेदन दिया ना तो उसका बढ़ गया जो पहले रुक गया था पूरा, कुछ भी नहीं उसको। ये आप सही बता रही है धातु शयात्मक संप्राप्ति, उसमें अगर आप वृक्ष स्वेद देंगे तो ये बढ़ेगा, तो आपको ब्रुहन ही कीजिए, इंटरनल ब्रुहन और शीरबला का यूज करिए हर जगह पे, तो हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। जो ये मैडम बता रही है ना, जो मैम बता रही है डॉक्टर साहब, जो नेक टेडी वाला उस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं। या सर मैं वो नहीं, मैं मैम को बोली कि मैम ने बोला ना ग्रीवा बस्ती देने से अच्छा स्टिफनेस कम होता है, तो मेरे पेशेंट में ऐसा उल्टा हो गया, तो मुझे थोड़ा सा आपने अभी बोला था उससे पहले कि आपका पेशेंट रिमेटाइड आर्थराइटिस का था क्या? नहीं नहीं वो रिमोटेड अर्थराइटिस ना ट्रॉमेटिक हिस्ट्री, वो आरटीए की वजह से थोड़ा सा उसका सर्वाइकल का ऑपरेटिव भी हुआ था, और उसमें पूरा टिंगलिंग सेंसेशन हैंड तक था, और मूवमेंट में भी जर्क उसका बहुत स्टिफनेस था, तो पेशेंट को मैंने पंचतिक्त गुगुल दिया था, पहले दीपन पाचन किया था, फिर एक विरेचन दिया था, और पेशेंट पित्तज प्रकृति का था, कफ कम था पेशेंट को, तो दीपन पाचन और सब अस्थि मज्जा अस्थि पोषक वगैरह लाक्षादि गुगुल भी दिया था, कभी कभार आबादी गुगु भी दिया था, और दोपहर को बृहतवाद चिंतामणि मैंने चालू की था, तो बहुत अच्छा रिजल्ट, मानो पेशेंट पूरा टकाटक हुआ था, तो उसमें बाद मैंने मुझे लगा थोड़ा सा स्टिफनेस कम करने के लिए मन्या वस्तु ग्रीवा बस्ती दे दू, तो मेरा शायद ये गलत हुआ कि मैंने सब ऑयल एकत्र करके जो डाला ना वो थोड़ा सा, मानो शीरबला तेल ओनली डाला होता तो बहुत ब्रूहन अच्छा होता पेशेंट का, ये मैं समझ गई, तो दे दूंगी मैं पेशेंट को फिर से। सर मैं शीरबस्ती दूं के ना दूं अब क्या करूं? मैम मैं आप वाले पेशेंट के बारे में ही बात कर रहा हूं, जो आप वाला पेशेंट है जिसका नेक टेढ़ा हो गया ना। हाँ जी हाँ जी, उसी के बारे में ही बात कर रहा हूं, उसको ना वो रुख स्वेदन करना बालुका से और लवण से रुख स्वेदन करना, और उसमें मैम पथ्यादि गुगुलू का बहुत अच्छा रोल है, कुचला का बहुत अच्छा रोल रहेगा, उसमें प्रवाल पंचामृत दे सकते हो आप, और दस मुला रिष्ट दे सकते हो, पथ्यादि क्वात ये बेस्ट चिकित्सा रहेगी उसके लिए। सर मैंने तो उसको महारासनादि क्वात दिया है, पथ्यादि क्वात का इसका बहुत अच्छा रोल रहेगा इसमें। ठीक है सर। सर और उसको क्या दे सकते हैं साथ में, कोई घृत दे सकते हो? पेशेंट बहुत पतला है। आप पहले लाक्षादि गुगुल आभादी गुगुल दीजिए, सर ने कहा वैसे दीजिए सप्तामृत। ये मैडम मेरे को एक बात बोलना है, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ, बोलूं क्या?
हाँ बोलिए बोलिए सर। ये पेशेंट का आंख का फोरिया वगैरह कुछ है क्या पेशेंट को, या पेशेंट का चश्मे का नंबर कभी चेक करवाए क्या होता है? जिनका जिनका नहीं, जिनका फोरिया अगर हो रहेगा, या पेशेंट को फोरिया का मतलब आंख में क्रोकाइड आई होता है ना, आंख टेढ़ापन होता है ना, तो उसमें क्या करता है पेशेंट अपना, हाँ स्प्रिंट रहता है, तो पेशेंट अपने विजन को देखने के लिए अपने आंख ये चेहरे को घुमा लेता है। जो उसका डिपेंडेंट आई होता है ना, डोमिनेंट आई होता है, उसके दो आंख में अगर उसका अगर ये सब कोई प्रॉब्लम होगा तो वो डोमिनेंट आई की वजह से अपना डायरेक्शन अपना घुमाएगा, देखेगा कहीं हो, नंबर वन। सर मैं उसकी आईज भी चेक करवा लूंगी। उनका तो हेतु है ना, वो टेलर है, एम्ब्रॉयडरी करते थे शायद वो, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग जिनको परमानेंट ये रहता है ना, तो वो इस तरह का प्रॉब्लम मिल सकता है। और किसी का ना हाई सिलेंडर पावर अगर रहेगा ना, दो तीन चार सिलेंडर पावर रहेगा, ऑब्लिक एक्सिस रहेगा, तो भी वो तिरछा देखेगा। ये दो रीजन हो गया। तीसरा जो है पेशेंट का एक्सरे या स्पाइन का जो एमआरआई है, उसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है कर्वेचर में, काइफोसिस, काइफोस्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस, इस तरह का लॉर्डोसिस, ऐसा कोई प्रॉब्लम है क्या? सर फोकल कैवर्नोमा आया हुआ है उसके एमआरआई में, और पता नहीं वो क्या होता है सर, मैंने, मेरे को पता नहीं है उसके बारे में। फोकल, हेलो, फोकल कैवर्नोमा, हां जी सर, फोकल कैवर्नोमा और लेफ्ट पोस्टीरियर इथमोइडल साइनोसाइटिस। नहीं, साइनोसाइटिस इज नॉट, ये तो रिकवर हो गया सर उसका, साइनोसाइटिस ठीक हो गया है, साइनोसाइटिस तो ठीक हो गया उसका। कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस आए हैं? हाँ जी हाँ जी, वो स्पाइन में आए हैं उसके डिजेनरेटिव। तो वही तो है फिर, वही तो बता रहे हैं। पेशेंट की उम्र कितना है? पेशेंट की उम्र तो उसकी होगी 30 इयर्स तक होगी, 20, 28, 30। एक पेशेंट का 30 इयर्स में डिजेनरेटिव चेंजेस अगर आ जाता है, आइदर वो पेशेंट एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस का होगा तभी उसका नेक टेढ़ा होगा, या फिर उसका टॉर्टिकोलिस टाइप का ऐसा कुछ हो, दो रोटी से ज्यादा रोटी मत दो नहीं मगर, या फिर पेशेंट का काइफोस्कोलियोसिस जैसा का लॉर्डोसिस टाइप मत दो, इससे सब्जी ज्यादा, अदरवाइज नहीं आएगा। यही तो सर ना, टॉर्टिकोलिस उनको प्रोफेशन जो बता रही है मैम, टेलर का बता रही है ना मैम आप, 30 साल की उम्र में डिजेनरेशन ऐसे नहीं आ सकता विदाउट एनी रीजन। इतनी इतनी एज है सर उसकी, छोटी एज है उसकी। मैम आप प्रोफेशन टेलर का बता रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मैम प्रोफेशन की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरे हाँ पास जी, वो बोल रहा था कि मैं काम करता रहा बहुत ज्यादा, कि जैसे कि बच्चे, उसके लंबे समय बच्चे हैं तो हाँ जी हाँ बैठते होंगे, फॉर द लिविंग उसको ज्यादा करना पड़ा काम, तो वो लगा रहा काफी देर के लिए काम करने, और मतलब पेन उसको रहता था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, और वो फिर भी काम करता रहा, और स्टिफनेस धीरे धीरे आते आते टेढ़ी हो गई गर्दन। यही तो है ना मैम, टॉर्टिकोलिस तो है ये स्टेनोमास्टॉइड जो मसल्स रहती है ना, उसमें से आ जाता है इसका, स्ट्रेचिंग आ जाती है, नेक मसल स्टिफनेस हो जाते है इसमें, ये वही है। सर अभी फिर क्या, अभी फिर क्या करना है मैडम? मैं यहाँ कुछ बोलना चाहता हूँ मैडम। यहाँ देखिए ऐसे स्टिफनेस में ना वायु की वृद्धि मानी जाती है, बिल्कुल सर, बात कफ का आवरण माना जाता है, कफ का आवरण। यहाँ पर सर जो बालू और सैंधव का जो रुक्ष श्वेत बताया वो अच्छा काम करेगा, ठीक है सर, मैं हाँ वहाँ वो करवाइए, और साथ में पेशेंट को या तो आम वातरी रस और या वाद गजांकुश रस, ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस। कुचला का भी अच्छा रोल है ना, शुद्ध कुचला सर। हाँ सर, वो तो अग्नि तुंडी में भी मिल जाएगा और अलग से भी मिल जाएगा, लेकिन पेशेंट हाइपरटेंसिव है कि नहीं ये सब भी देख ले पहले। महाराष्ट्र आदि बंद कर दूं उसका? नहीं 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 मैडम, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्टिफनेस का जो प्रेजेंटेशन है ना, तो पहले कफ की चिकित्सा कीजिए फिर वायु। सबसे मेन अगर बहुत ज्यादा स्टिफनेस है तो कुट्टम चुक्की आदि तेल गर्म करके लहसुन डाल के उससे मालिश कर दिया। सर यहाँ पे नहीं मिलता, आपने पहले भी बताया, मुरीवेणा तेल भी मिलता है, मुरीवेणा तेल या सबसे महानारायण तेल तो सब जगह मिलता है। हाँ जी महानारायण तेल तो, महानारायण तेल लाइए, कटोरी में डालिए और उसमें लहसुन डाल के और उसको पका दीजिए, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, तो उसको लगाइए, बहुत अच्छा फायदा होता है। सर कोटम चुकादी की तो ज्यादा वो भी नहीं है, इंग्रेडिएंट्स भी ज्यादा नहीं है, बनाया भी जा सकता है। मैम अर्शनूर मैम, मुरीवेणा ऑयल जो है 27 में मिल जाएगा, वो जो है ना डाबर पटियाला फार्मेसी, पटियाला फार्मेसी से पता किया था मैम, मिला नहीं वहां से,
मैम हो सकता है मैंने 15 दिन पहले लिया। मैम आप तो जीरकपुर में हो ना कुलविंदर मैम? मैं मोहाली में हूँ, मोहाली में हूँ। मोहाली मैम आपको तो बहुत इजीली जीरकपुर से मिल जाएगा मैम, आयुर्वेदशाला का वहाँ पे पूरा एक वो है कलेक्शन सेंटर है। कहाँ पे? जीरकपुर में। जीरकपुर में मैम आप हाँ फाइंड कीजिए, आपको गूगल पे मिल जाएगा मैम। अगर आप नहीं तो मैं नंबर शेयर कर लूंगी, मेरे पास होगा। ग्रुप में लिख देना, चैट में नहीं, ग्रुप में डाल देना। हाँ जी ठीक। ये धनवंतरी कॉलेज भी कहाँ पढ़ते हो? आसपास ही पढ़ते हैं ना? हाँ जी हाँ जी, धनवंतरी कॉलेज के आगे जितनी फार्मेसी है सब पे मिल जाएगा। ठीक है मैं पता कर लूंगी। अच्छा दूसरी बात है, नहीं सुन लीजिए मैं आपका मैडम, बाद में कभी कोई भी मेडिसिन का माने जो पाठक सर के पास मिलता है इसके अलावा कभी किसी को भी अगर दिक्कत हो ना, मैं एक बंदे का नंबर दे दूंगा, अगर किसी को थोड़ा सा भी बल्क चाहिए ना तो वो बंदा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में आपका जिस एड्रेस पे पैन इंडिया पे जहाँ होगा डिलीवरी करवा देगा। अगर बोलोगे तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बंदा पर्सनल डेबिट में डाल देना। नहीं मैं ग्रुप में नहीं डाल सकता, ये ऐड के रूप में हो जाए, मना किया गया है, ग्रुप में ये सब नहीं चलता है। ठीक है आप नंबर ले लो ना, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या ये सबके चैट बॉक्स में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। नहीं ये सब नहीं, ये अलाउड नहीं है यहाँ पे। अच्छा ठीक है मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी ऐड नहीं दिया मैम, कभी भी नहीं दूंगा, ये मेरे फायदे का कुछ नहीं है, कैसे पता ये हमारे ग्रुप के फायदे के लिए। कैसे पता चलेगा सर? आपका नंबर दे दीजिए सर। मैं तो जुड़ा ही हुआ हूँ ना, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और बोल रहा, जो उनके पहले जो मैडम का केस था ना जिनका वो नेक स्ट्रिप में जिनका पेन बढ़ गया था। हाँ हाँ तो, सर कुछ भी उसमें आम पाचन किया, दीपन किया, विरेचन कराया, कुछ भी कराया। हाँ। लेकिन अगर आप ये मतलब ग्रीवावस्थी करते हैं और उससे पेशेंट का पेन अगर बढ़ता है तो 100% पेशेंट का आम पाचन की अभी और मैंने जरूरत है वहां पर, अभी आम पाचन पूरी नहीं है लेकिन गारंटी आम पाचन आपने पूरी चेष्टा की, आम पाचन हुआ नहीं है तो क्या होता है ना, हम लोग जब आम पाचन करते हैं तो कभी सिर्फ जीआईटी का आम पाचन कराते हैं, कभी हम लोग मतलब उसमें अलग अलग स्थान का आम पाचन के लिए ड्रग अलग अलग होते हैं, नहीं तो एक ही ड्रग से सारे शरीर का आम पाचन हो जाता है ना, ऐसा होता नहीं है। तो हमारे हिसाब से हाँ जी मनोज सर, जैसे बोलिए सर बोलिए, इस केस के बारे में बात कर रहे हैं जिसका गर्दन टेढ़ी हो रहा है, हम उसको टॉर्टी कॉलेज भी अगर सोच के चलते हैं और ये बात भी कंफर्म है प्रकोपित आता है, कफ दोष से आवृत है जिसकी वजह से नेक जो टेढ़ा सर वहाँ पर स्नेहन मना है टॉर्टी कॉलेज में, और उस समय तो स्नेहन तो, स्नेहन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा सर, मैं तो मैंने तो पहले करने से दर्द बढ़ जाएगा सर, मैंने तो पहले ही बोला था बालुका और लवण पोटली बना के उससे रुक स्वेदन करो। यस आपने बोला है सर, आप सही बोल रहे हैं। और दूसरी इसमें चंद्रामृत रस भी दे सकते हैं ना कफ का आवृत को कम करने के लिए? नहीं सर हर कफ का इलाज हर पेशेंट को लोकली, सर उस पेशेंट को लोकली स्नेहन ना दो फिर ना देखिए अगर मैंने कहा कि महानारायण जल और लहसुन तो लहसुन आवृत तत्व को नहीं सर यहाँ पर बहुत सोच के ही बताएगा, लेकिन सर उसको तो आराम मिल गया पहले से, जैसे उसको स्नेहन तो दे रहे हैं। आम वात जन्य नहीं है, उपस्तंभित वायु नहीं है, वहाँ पे और नस्य दीजिए और शीर राइट राइट एकदम सही बोल रहे हैं। हां जी सर समझ आ रहे हैं, और ज्यादा दीजिए 15 ml सुबह 15 ml शाम को दीजिए। हाँ जी सर अभी वो 15 ml पे नहीं पहुंचे हैं अभी, तो वो नहीं ले पा रहे हैं। जब आप नस्य दे रही हैं तो वो बढ़ा नहीं ना, जब बढ़ा नहीं है तो इसका मतलब है कि और मैडम यहाँ पर ना एक काम और कीजिए, यहाँ पर वायु का अपान वायु का अनुलोमन भी कराइए, अरण्य तेल गरम अरण्य तेल दीजिए और उसमें सौंठ डाल कर दीजिए। ठीक है वो मैं दे दूंगी, उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है पेशेंट को वैसे भी रहता है, अरण्य तेल के साथ सौंठ डाल के दीजिए मैम। और जब आपने कहा कि सर एक उसमें और उसका ना बीपी बहुत बढ़ता था पेशेंट का, जब से ये नस्य कर रहा है उसका बीपी नॉर्मल आना शुरू हो गया, पता नहीं कैसे। और आपको नहीं लगता कि नस्य जो होता है ना, जो नस्य षडबिंदु तेल वगैरह के जो नस्य होते हैं ना उसको देने से ही पेशेंट का आपको आधा घंटे 40-50 बीपी नॉर्मल होने लगता है, मेरे कई पेशेंट का हुआ ना। अच्छा और कुलविंदर कौर मैम, क्योंकि अब बिल्कुल ठीक आता है उसका बीपी। हाँ जी सर, आपको ये नहीं लगता है क्या कि आपने उनको पेट साफ नहीं होता है, अपान वायु ही जाके वहां पे गले को टेढ़ा कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? ये तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। तो आप अनुलोमन करेंगे तो अपने आप वायु कंट्रोल हो जाएगा।
हाँ जी, कितना दूं सर, कितनी मात्रा दूं अरिन तेल की? ज्यादा मात्रा में दीजिए, 4 चम्मच दे दीजिए, बड़ा चम्मच शुंठी डाल के। जैसे पेट साफ होते जाएगा वायु निकलते, गर्म पानी के साथ मिक्स करके 4 चम्मच दे दीजिए, जैसे जैसे पेट साफ होते जाएगा वैसे वैसे उनका वायु निकलते जाएगा, तो गर्दन सीधा होने लगेगा। मिनिमम 50 ml। ओके ओके, कुलविंदर जी आपके मक्खी घुस गई है, आपके स्पीकर में कुछ मक्खी घुस गई है, कुछ आवाज आ रहा है अभी सर। हाँ अभी ठीक है। हाँ विन्यासा जी आप बोलिए। सर मेरा भी एक ऐसे केस था, स्प्रिंग शोल्डर का, स्प्रिंग शोल्डर मींस दैट इन एमआरआई दे रिटर्न स्प्रिंग शोल्डर। उनका बच्चा 10 साल का था सर, अभी उनको नस चालू किया है, एक ऐसे ही आपको अभी बोला है ना विरेचन देख के, नस चालू किया है। कितना फर्क है सर, बहुत फर्क है नसे में। मैं एक्चुअली आया आप विन्यासा जी, आपका नस्य का एक्सपीरियंस बताइए ये मैम को, बताइए कुलविंदर मैम को। सर पहले आई विल टेल दिस केस सर, प्रसर नदी तैलरा को पहले चालू किया था 3 दिन, उसके बाद महामाश तैला अश्वगंधा लाक्षर दी तैला प्रसर नदी तैला, ये तीनों तैला मिक्स करके उनको नस्य चालू किया था। बहुत फर्क है सर, और एक वात विद्वांस एंड ब्राह्मी ग्रुता मैं इतना ही दे सकता था बिकॉज दे वर वेरी पुअर, सो आई हैड गिवन ओनली दिस मच। लॉट ऑफ चेंजेस लाइक उनका स्प्रिंग शोल्डर, तो आई विल सेंड द एक्सरे सर, आई हैव द थिंग्स आई विल सेंडिंग यू, लाइक उनको नहीं कर सकता था स्प्रिंग शोल्डर। सॉरी अश्वगंधा बला अश्वगंधा तेल, और कौन सा दिया था आपने? प्रसरण्यादि तेल, प्रसरण्यादि वो संकोच आरा करता है, वो संकोच करते है, पहले वो संकोच करना है था। मैं पहले हमेशा लंघन करके ही भ्रमण करती हूँ, इसलिए वहां भी प्रसरण नदी थे थोड़ा संकोच मीन्स इटैक्स साम पाच करियर ऑल्सो लाइक इट इज उष्ण भ्रमण तैल, सो आई हैड दैट प्रसरण नदी तैल, देन आई हैड सम महामाश एंड अश्वगंधा पाच। मेरा नस्य का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सर, बट एक्चुअली आई हैड सफर मींस आई वाज सफरिंग फ्रॉम लाइक स्कैपुलर पेन, आई डोंट नो लाइक अचानक से हुआ था वो 5 दिन, मेरे 2 दिन से ही ठीक हुआ था बट 5 दिन लिया था, और कल परसों मेरे हेडेक बहुत था, मींस आई डोंट नो व्हाई इट वाज वेरी लाइक पित्त की दृष्टि हुआ था, थोड़ा हेडेक बहुत हो रहा था। 15 ml सर बोल रहे हैं ना, ऐसे ही 15 ml खीरा बला रहेगा, दैट टू इवनिंग 4 o'clock में डाला 15-20 minutes से सब देख, और जलन वगैरह बहुत ठीक हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली करने के लिए, बट कोई डालना होता है मीन्स समवन शुड बी देयर टू पुट दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। विन्यासा मैम आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? सर एक्चुअली कर्नाटकदल्ले ನಾನು ನಾನು ಹಾಸನ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಸನ್, ಅದು ನಾನು ಕೂರ್ಗಡಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ವಿರಾಜಪೇಟೆ? हम भी मराठी में करेंगे। नहीं नहीं सर, नहीं सर, विराजपेटे में गवर्नमेंट तालुक हॉस्पिटल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर। मैं समझा कि आप हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे मेरा एक केस था हैदराबाद में। सर वो मेरा दिमाग स्टिफनेस का क्या करेंगे फिर, पेशेंट का आम पचन करके वातानुकूलन के लिए दे दो? और हाँ दे दीजिए,
दे दीजिए और नस से करते रहिए, पूरा ठीक हो जाएंगे पेशेंट। और ओरली सर कोई चेंज करना चाहिए उसमें? नहीं, आपका बात सही, आपका ट्रीटमेंट सही है। उसमें स्वेदन दीजिए, रुक्ष स्वेद, कुछ वालुका स्वेद या लवण सालवण। सर वो रुक्ष स्वेद से ज्यादा होगा ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है तो नाड़ी स्वेद दीजिए, नाड़ी स्वेद, नाड़ी स्वेद दो। ठीक, ओके सर। मैडम वात गजन कुछ जो होता है ना, किसी भी एक्यूट स्टिफनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, दो टैबलेट करके दो बार दीजिए। कौन सा सर? वात गजन कुछ रस, वात गजन कुछ, ओके। किसी भी एक्यूट स्टिफनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस। सर मैं बोलूं इसमें कुछ? हाँ बोलिए। पहले कमल शेलके जी आप थोड़ा म्यूट करिए, आपके बच्चे का भी आवाज आ रहा है, उनका हेतु सेवन निकाला क्या? मुझे उदर्द लग रहा है, अगर उनका जैसे बैठने का सिटिंग का काम है तो वेग धारण की पक्का उनकी हिस्ट्री रही होगी जी। आपने उनका हेतु निकाला क्या? ये उदर्द तो लग रहा है चली गई। सर मेरे को पूछ रहे हो? हाँ जी मैम, ये आपका गर्दन टेढ़ी वाला। नहीं सर मैंने नहीं पूछा, सर मैंने नहीं पूछा। आप बिना मैंने पूछा कैसे ट्रीटमेंट कर रही हैं, बिना हेतु संप्राप्ति के कैसे ट्रीटमेंट कर रही हैं? ये चीज नहीं पूछी, नहीं ये नहीं पूछा सर कि आप वेग धारण करते हैं, इस बारे में नहीं पूछा। चेक कर लेना ये, क्योंकि उनके काम के हिसाब से उनके सारे सिम्टम ये उधर की ओर इशारा कर रहे हैं। सर क्लासिकल हिस्ट्री भी है, एक साइड में नीचे की तरफ गर्दन करके जो इंसान काम करेगा तो उसमें स्टिफनेस तो होती है, और दूसरा वेग धारण भी इसका सेकंड है। सर ये ये ना ये सर इसमें जो इस टाइप के प्रोफेशन है ना, टेलर हो गए जिनका सिटिंग का ऐसे काम है, तो इनका पक्का ही मैंने काफी पेशेंट देखे हैं, तो उनको तो सभी में वेग धारण की मिली ही मिली है हिस्ट्री, क्योंकि काम का लालच होता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, जाता हूँ रोके रहते हैं काम। डस्टिंग का भी होता है, क्योंकि कपड़े से कई बार धूल उठती है या कटिंग के कारण है ना, तो उससे भी कई बार छींके आना उनको भी रोक लेते हैं कि छोड़ो काम डिस्टर्ब हो रहा है। ये उदर्द की तरफ चले जाते हैं पेशेंट। मेरे पास भी एक आए थे, उनको स्लिप डिस्क हो गया था इसकी वजह से, और उम्र कुछ भी नहीं है उनकी, अभी 33 के आसपास ही है आई थिंक जी। तो उनका जब हिस्ट्री निकाला मैंने तो उनका हेतु सेवन में जब उन्होंने अपने आप नहीं बताया कुछ, मैंने खोद के निकाला तो पता चला कि वेग धारण की थी उनको हिस्ट्री काफी देर से जी। तो इनके पेशेंट में ये भी मिलेगा पक्का। सर एक केस बताता हूँ, मेरे एक पेशेंट का था, पेशेंट की फीमेल 14 इयर्स की फीमेल, और मैंने पेशेंट का ना नेक पेन लेकर के आए थे, और मैं काफी साल करीब 20 साल पहले की बात, पेशेंट का जो हिस्ट्री मैंने देखा, पेशेंट गर्दन घुमा नहीं पाती थी, फीमेल 14 साल की। मैं यही सोचा कि 14 साल की लड़की का ना फीवर का हिस्ट्री ना कुछ, हिस्ट्री देखा तो मेरे को जो लगा कि स्टिफनेस का हिस्ट्री है, बट दैट स्टिफनेस इज क्रॉनिक। सर हिस्ट्री लेते लेते आपको आश्चर्य लगेगा, पेशेंट के घर वालों से मैंने पूछा कि मैं पेशेंट का आपके घर जाऊंगा, घर जाकर के चेक करूंगा इसका बेड का पोजिशन क्या है। मेरे को लगा कि लेडी जो है सोने के समय या कोई एक पर्टिकुलर पोजिशन पे गड़बड़ करती है। सर आपको अच्छा लगेगा, जब मैं घर उसके गया, पेशेंट का बेड चेक किया, तो बेड का वो एक कॉर्नर में सोती थी, अपने जो चौकी होती है ना सर, उसमें काफी बड़ा, मैंने एक डाब का जो अगर कहीं रखना हो डाब को, तो उतना बड़ा उसने गड्ढा कर रखा था, उसमें अपना सिर रख करके सोती, दैट वाज द रीजन। तो ये सेम हिस्ट्री यहाँ पर ये भी आ रही है कि वो काफी टाइम से एक ही पोजिशन में जो काम उसमें बनते हैं सर ऐसे केस में। जी सर धन्यवाद जी। कुलविंदर कौर जी आप सुन पा रही हैं क्या मैम? हाँ जी सर सुन रही हूँ। आप अभी कितना दिन उनको नस्य किए हैं और कितना फायदा हुआ है? सर अभी तो उन्होंने हफ्ता किया है नस्य, तो कितना परसेंट फायदा दिख रहा है? सर अभी तो 10-15% फायदा हुआ होगा। क्यों घबरा रही हैं? इतना पुराना प्रॉब्लम है। घबरा नहीं रही हूँ सर, आपके आशीर्वाद से ही चल रही हूँ आगे आगे। आगे बढ़ते जाइए और सब ठीक हो जाएगा। 10% हुआ, जितना स्नेहन होते जाएगा उतना ठीक होते जाएगा। सर उसको मैं और कुछ दे सकती हूँ इसके साथ, जैसे कोई जैसे कि बला अग्निकर्म करो मैडम, अग्निकर्म। नहीं सर मैं नहीं कर सकती, मेरे को आता नहीं है। आप एक काम करिए, महायोगराज गूगल है आपके पास? हाँ जी महायोगराज गूगल दीजिए, त्रयोदशांग गूगल दीजिए, दो सर, मैंने दिया हुआ उनको, मैंने उनको तो दिया। सर आप चिंता मत करिए, टाइम दीजिए, और जो मैंने बताया महानारायण तेल और लहसुन को गर्म करके उससे मालिश करने को बोलिए, उससे ज्यादा स्नेहन करना है, पूरा एब्जॉर्ब होना चाहिए, जितना एब्जॉर्ब होगा ना वो जल्दी जल्दी मसल्स रिलैक्स होंगे और ठीक हो जाएंगे पेशेंट। ठीक है
ठीक है सर, ठीक है। हाँ, और चिंता मत करिए, ज्यादा दवाई ये मत करिए, जो दे रही है उसी पे विश्वास करिए। बार बार बदलेंगे तो पेशेंट सोचेगा कि इनको आता नहीं है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी सर, ये तो बात आपकी सही है। हाँ डॉक्टर, इसमें अग्निकर्ण से आप इतने डर क्यों रहे हो? उसमें तो माइक्रोनेडल लगा के कैंडल से कर दीजिए। मैंने कभी किया नहीं है ना, मैंने कभी किया नहीं सर। माइक्रोनेडल जो एक्यूपंक्चर वाली आती है या अपनी जो फाइन नीडल आती है? नहीं सर, मैं नहीं करूंगी। आप ना कुलविंदर जी जो कर रहे हैं वही करिए, महानारायण तेल वाला थोड़ा ऐड करके फिर कल बताइएगा हमें कैसा लग रहा है। ठीक है सर, अभी तो सर पेशेंट 4-5 दिनों के बाद आएगा, हफ्ते की मेडिसिन ले गया हुआ है। ठीक है, तो नस से आपने सिखा दिया है उनको करने? हाँ जी, हाँ जी, नस से सिखा दिया, वो घर पे करते हैं पूरी मालिश करके, उसके बाद स्टीम लेके फिर लेते हैं वो नस से। हाँ, तो सब ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए। और मैडम बर्मा स्टिमुलेशन जानते हैं क्या? नेके हैं जी, बर्मा स्टिमुलेशन जानते हो? हाँ जी, हाँ जी सर, उसका मुझे थोड़ा बहुत पता है, ज्यादा नहीं पता सर। एक बार अपने नवीन सर का कुछ एक वीडियो जरूर होंगे मर्मा पॉइंट्स का, उसको एक बार स्टिमुलेट करवाइए उनको, बोल के सिखा दीजिए कुछ एक पॉइंट पे ना मार्किंग कर दीजिए, वो जो मार्कर पेन होता है ना उससे मार्किंग कर दीजिए कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे दबाना है, उसको बता दीजिए, वो खुद से करेगा घर में डेली। ठीक है, अच्छा रिजल्ट आता है मर्मा पॉइंट का स्टिमुलेशन ना? हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने एक वर्कशॉप भी अटेंड की थी मर्माली, तो काफी पेशेंट्स ठीक होके बताते हैं। सर से सीख लो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, सीख लो सर, बहुत अच्छा सीखा। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर अंजना मैम, अभी समाशा बंद करें क्या? टाइम हो गया। अंजना मैम आज कुछ भी नहीं बोली। जी सर, जी जी सर, जी सही थे सर। चल 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 च